जय हिंद दोस्तों वेलकम टू दर्टी डे सी ए पी एफ़ क्रैश कोर्स हिमांशु सी ए पी एफ़ ट्वेंटी नाइनटीन ऑल इंडिया रैंक वन सिक्सटी थ्री दिस इज द नाइन्थ लेक्चर इन आवर पॉलिटी सीरीज ऑफ द क्रैश कोर्स देखिए ये टॉप ये ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यू कैन एक्सपेक्ट एट लीस्ट वन और टू क्वेश्चन फॉर दिस सी ए पी एफ़ लेटेस्ट बिगन देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन है जो स्पेशल प्रोविजन सब कुछ स्टेट्स uh, से डील करता है देखिए इस इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये यू पी एस से यहाँ से पूछेगा कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन किस किस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो हम देखते हैं कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जो है स्पेशल uh, प्रोविज़न है ये महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट से डील करता है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए जो है वो नागालैंड से करता है थ्री सेवेंटी वन बी जो है वो असम से करता है जो है वो वो मणिपुर से करता है ये आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन डी एंड ई जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से डील करता है आर्टिकल थ्री सेवेंटी एफ़ थ्री सेवेंटी वन एफ जो है वो सिक्किम से डील करता है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एफ आया था देखिए इसमें हम देख लेते हैं सिक्किम से रिलेटेड कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है थर्टी मेंबर्स हैं इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लोकसभा सीट है यहाँ पे रिजर्वेशन जो है ये डिफरेंट सेक्शंस को अवेलेबल रिज़र्वेशन uh, जो है यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस को अवेलेबल है गवर्नर का यहाँ पे बहुत ही स्पेशल रिस्पॉसिबिलिटी है फॉर इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट आर्टिकल है थ्री जी देखिए थ्री सेवेंटी जी मिज़ोरम स्टेट के लिए है थ्री एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए है थ्री आई जो है वो गोवा के लिए है और 371 जे जो है वो कर्नाटक के लिए 371 जे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इससे क्या हुआ कि स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद वहां पे डेवलपमेंट बोर्ड बना फॉर हैदराबाद रीजन ये नाइन्टी एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया देखिए इस आर्टिकल में जो कवर करना था मैंने कवर कर दिया एग्जाम व्यू पॉइंट से डिटेल में अगर आपको पढ़ना है इस चैनल से पीडीएफ को एक्सेस करके एक बार रीडिंग दे सकते हैं नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारा जो टॉपिक है ये पार्लियामेंट्री कमेटी से है इंपॉर्टेंट टॉपिक है यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक हमेशा हमेशा हर हर एग्जाम में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमिटीज को लेकर के ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं देखिए कमिटीज में आपको जनरली दो पॉइंट एकदम हमेशा याद होना चाहिए कि उसमें उसके मेंबर्स कितने हैं और उसके मेंबर्स कहाँ कहाँ से लिए गए हैं मतलब राज्यसभा से या लोकसभा से कितने मेंबर्स लोकसभा से और कितने मेंबर राज्यसभा से है चलिए हम प्रोसीड करते हैं देखिए पहला जो है एस्टीमेट कमेटी देखिए यहाँ ऑरिजिन जो, जो एस्टीमेट कमेटी का वो जॉन मैथे कमेटी जॉन जॉन मैथे ने रिकमेंड किया था 1950 में उसके रिकमेंडेशन से एस्टीमेट्स कमेटी का ऑरिजिन हुआ है कॉम्पोजिशन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पे तीस मेंबर हैं और सारे ही यहाँ पे लोकसभा से होते हैं ये एस्टिमेट कमेटी एक साल के लिए बैठाई जाती है और इसको एक पर्टिकुलर जॉब दिया जाता है उस काम और यहाँ पे जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो सिंगल प्रोपोर्शनल ट्रांसफर सिंगल एस टी वी दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इनका सिलेक्शन होता है फंक्शन आप ध्यान रखेंगे एस्टिमेट कमेटी का ये बजट को एग्जामिन करता है और सजेस्ट करता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है कैसे खर्च होना चाहिए सपोर्टिव ऑफिसर एस्टिमेट कमेटी में नहीं होते हैं इन, देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी में होता है या नहीं देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी मेकिंग में भी होता है ये ये सजेस्ट करते हैं ऑल्टरनेट पॉलिसी को नेक्स्ट कमेटी की हम बात करेंगे देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑरिजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन से आया था उस टाइम पे वॉयसरा जो थे लॉर्ड कॉम कैंसव उनके आ, उनके पीरियड में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आया था तो आप याद रखेंगे ऑरिजिन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ इसके ट्वेंटी टू मेम्बर्स होते हैं फिफ्टीन लोकसभा से होते हैं सेकेंड सेवन राज्यसभा से होते हैं और ये भी एक साल के लिए ये uh, इलेक्ट होते हैं एस टी वी दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड इसमें जो जनरली ट्रेंड है कि चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन से होता है इसका फंक्शन देखिए कैग ऑडिट रिपोर्ट को ये एग्जामिन करता है और डिस्कवर करता है इरेगुलरिटीज़ सपोर्टिव ऑफिसर देखिए यहाँ पे कैग जो है कॉम्पुरर कॉम्प्टोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से ये भी इसके फ्रेंड एंड फिलोसफर होते हैं फॉर द गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी में नहीं होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे कमिटीज़ ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पी देखिए कृष्णा मेनन कमेटी 1964 के रिकमेंडेशन के बाद पब्लिक कमेटी ऑन पी एस यू आया था इसमें 22 मेंबर्स होते हैं अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 15 फ्रॉम लोकसभा 7 फ्रॉम राज्यसभा सेम एज़ पब्लिक अकाउंट कमिटी ये भी वन ईयर के लिए होते हैं पी पी आर दैट इज प्रोपोशन दैट प्रपोशनल रिप्रजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें भी चेयरमैन जो होते हैं नॉर्मली फ्रॉम ऑपोज़िशन होते हैं देखिए इनका काम क्या है ये भी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हैं अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ये अकाउंट uh, के रिपोर्ट्स को ये और अकाउंट्स को ये एग्जामिन करते हैं इट डज़ नॉट इन्वॉल्व इंड डे टू डे अफेयर ऑफ पी एस यूज सपोर्टिव ऑफिसर भी इसमें नहीं होते हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी में नहीं होता है देखिए लास्ट लास्ट जो है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है इसमें टोटल तो, जो हम डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट में है प्रेजेंटली वो ट्वेंटी फोर है देखिए इसका औरिजिन जो है लोक रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा नाइनटीन नाइन्टी थ्री के आ, 1993 में नाइन्टी थ्री में रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा ने रिकमेंड किया था और उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनी थी इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये थर्टी वन मेम्बर्स होते हैं यहाँ पे ट्वेंटी वन फ्राम लोकसभा एंड थर्टी टेन फ्राम राज्यसभा it इज नॉमिनेटेड by द रेस्पेक्टिव presiding ऑफिसर्स देखिए एक फैक्ट आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है इसमें सबसे लार्जेस्ट मेंबर होते हैं और इसके बाद फिर एस्टिमेट कमेटी क्या होते हैं थर्टी मेंबर्स एग्जाम में कई बार पुटअप किया कर दिया जाता है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में किसके सबसे लार्जेस्ट नंबर हैं अगर पी एस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होगी तो आप उसको टिक करेंगे देखिए इनका काम क्या होता है ये एग्जामिन करते हैं बिल को डिमांड ऑफ ग्रांट को और अदर मैटर्स जो उनको रिकमेंड किया जाता है इसमें भी कोई सपोर्टिव सौप, ऑफिसर नहीं होते हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी में नहीं होता है नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं चार सोर्सेस हैं जहाँ पे डिस्कालिफिकेशन ऑफ एम को बताया गया है आप इसको याद रखेंगे आर्टिकल 102 जीरो टू आर पी इफेक्शन और एबसेंस फ्रॉम दी हाउस देखिए प्रोसीड करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आर पी और नाइनटीन में क्या डिफरेंस है देखिए आर आर पी जो है वो पोस्ट इलेक्शन की बात करता है और आर पी जो है वो प्री इलेक्शन की बात करता है आप इस इस फैक्ट से कई सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर्स तक रीच कर सकते हैं तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे चलिए हम प्रोसीड करते हैं डिस्कवालिफिकेशन पहला जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 102 में है इसमें ग्राउंड बताया गया कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई अगर एम होल्ड करता है या अनसाउंड माइंड का है और इसको किसने डिक्लेयर किया है ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट या फिर ही इज़ अक्वायरिंग फॉरन सिटीजनशिप इस केस में एम को डिसक्वालीफाई कर दिया जा जाता है वो तो इस अथॉरिटी तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इस ग्राउंड जो इसको हटाया जा रहा है वो वाकई में वैलिड है नेक्स्ट जो नेक्स्ट uh, जो सोर्स है वो आर 1951 है इसमें देखिए ग्राउंड्स लिखे हुए हैं आपको ध्यान रखना है करप्शन इलेक्टोरल ऑफेंसेस सोशल क्राइम्स सच एज अनटचबिलिटी एक्सेट्रा कन्वेक्शन फॉर मोर देन टूर्स इसमें अथॉरिटी अगेन जो है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो सोर्स है वो डिफेक्शन है देखिए फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में टेंथ शेड्यूल ऐड हुआ था हमने पहले अपने शेड्यूल्स वाले लेक्चर में देख लिया है ये एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट आप याद रखेंगे टेंथ शेड्यूल याद रखेंगे ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से इसमें ग्राउंड जो है अलग अलग मैंशन है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग है नॉमिनेटेड पार्टी के लिए अलग है और इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके लिए अलग है अगर कोई कोई भी एमपी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से अगर रिजाइन करता है तो उसको उस ही इज डिसक्वालीफाइड अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिसक्वालीफाइड है अगर ये वॉयलेट करता है विप जो कि उसके पार्टी ने दैट इज नॉट कॉन पार्टी इन फिफ्टीन डेज तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक की वर्ड्स है वेप देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ अपने एजेंडाज होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं कोई एम पी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेम्बर है तो उस एजेंडा को उस uh, uh, से वो सहमत रखता है और उसके खिलाफ नहीं जाता है दिस इज द वेब दैट यू शुड नो अगर वो विप के खिलाफ अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा और विप के खिलाफ खड़ा होता है अग तो वो विप को वॉयलेट कर रहा है और इस केस में डिस्कॉलीफिकेशन किया जा सकता है एम का लेकिन नॉमिनेटेड मेम्बर जो हैं अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छः महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इसका क्या मतलब है अगर छः महीने से पहले छः महीने के पहले अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिसक्वालीफाई नहीं होंगे इंडिपेंडेंट मेंबर्स देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करता है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा और यहाँ पे सिक्स मंथ का एप्लीकेशन नहीं अवेलेबल है यहाँ पे एक्सेप्शन है आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर क्योंकि स्पीकर जो है नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि ही हैज़ टू बी इम्पार्शल इसीलिए स्पीकर को स्पीकर स्पीकर जब बनता है पार्लियामेंट में तो ऐसा ऐसा कन्वेंशन है कि स्पीकर अपने अपने पार्टी से पार्टी पद से रिजाइन करता है उसके बाद वो स्पीकर बनता है ये कन्वेंशन है कोई 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 लॉ नहीं है कन्वेंशन मतलब कि बहुत टाइम से ये चला आ रहा है अभी भी ऐसा चला आ रहा है लेकिन लास्ट टू टाइम से मीरा कुमार और उसके बाद से अभी जो प्रेजेंटली सुमित्रा महाजन इन्होंने रिजाइन नहीं किया था तो आप ध्यान रखेंगे दूसरा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के टू टू थ्री मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ करके अगर कोई दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो भी वो डिस्कवालीफाई नहीं होंगे ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इसको दिमाग में रट के जाएं इसमें जो कौन डिसाइड करता है डिफेक्ट हुआ या नहीं एंटी डिफेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं तो यहाँ इन केस यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं पार्लियाम पर्टिकुलर हाउस के वो डिसाइड करते हैं देखिए एब्सेंस ऑफ द हाउस एब्सेंस ऑफ आप द हाउस अगर कोई भी एम या एम जो है साठ दिन तक विदाउट परमिशन अगर एब्सेंट है तो ही कैन बी डिस्कवालीफाइड फोर कंजक्टिव एजॉर्नमेंट्स और प्रॉगिंग हाउस ड नॉट काउंट यहाँ पे एक, एक यहाँ पे एक क्लॉज है कि जो अगर लगातार चार कंजर्गेटिव एडजॉर्टमेंट हो गया या प्रोडॉक हो गया हाउस तो उस में जो उसके इसमें जो इसके सिक्सटी डेज होंगे उसको काउंट नहीं किया जाएगा देखिए एडजॉर्नमेंट और प्रोडॉग का मतलब जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट हम इसमें जो जो डिसाइड डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ टिल देन स्टेट यून एंड कीप शेयरिंग विद कीप शेयरिंग दीज लेक्चर्स स्पेशली विद दो नीड दिस देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है यू कैन गेट एक्सेस टू दीज पी डी एफ लेक्चर्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप थैंक यू